बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान न सिर्फ रोल के लिए अपनी डेडिकेशन के लिए जाने जाते हैं बल्कि अपने करियर के शुरुआती दौर में वो अपने प्रैंक्स के लिए भी मशहूर थे। वो अपनी फिल्म की हीरोइनों के हाथों पर थूक दिया करते थे जिसके चलते उन्हें अपनी एक्ट्रेसेस से कई तरह की प्रतिक्रियाएं मिलती थी। आमिर ने फिल्म इश्क के दौरान जूही चावला से कहा था कि वो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं और वो जूही का हाथ देखने लगे। जूही ने उन्हें अपना हाथ दिया। एक्ट्रेस के ऐसा करते ही आमिर उनके हाथ पर थूक कर भाग गए। फिल्म के क्रू के सामने जब जूही के साथ ऐसा हुआ तो उन्हें इस बात का बेहद बुरा लगा। जूही इतनी नाराज हुई कि अगले दिन शूट पर भी नहीं आई। जूही की नाराजगी को लेकर आमिर भी बेहद गुस्सा हो गए। दोनों के बीच कई साल तक बातचीत भी नहीं हुई। हालांकि कुछ साल के बाद आमिर और जूही के बीच पैचअप हो गया। आमिर ने इसके अलावा फिल्म दिल में माधुरी दीक्षित के साथ भी ऐसा ही किया। फिल्म के गाने खबे जैसे खड़ी है की शूटिंग चल रही थी। आमिर ने माधुरी को बताया कि वे लोगों का हाथ देखने में बड़े माहिर हैं। ये सुनते ही माधुरी भी काफी एक्साइटेड हो गई और उन्होंने अपना हाथ आमिर की तरफ ये कहते हुए बढ़ा दिया कि वो उनका हाथ देखकर उनके भविष्य के बारे में बताएं। इस पर आमिर ने पहले तो उनके हाथ की ओर देखा और फिर अपनी हरकत दोहराई। इसके बाद माधुरी भी हॉकी लेकर आमिर को मारने के लिए दौड़ पड़ी। 18वें मुंबई फिल्म फेस्टिवल में जो जीता वही सिकंदर के रियूनियन पर आमिर की इस आदत के बारे में चर्चा हुई थी। उस दौरान फराह खान ने बताया था आमिर शुरुआत में अपनी फिल्म के अभिनेत्रियों के हाथ पर थूक दिया करते थे। वो कहते थे कि लाओ मैं तुम्हारा हाथ पढ़ता हूँ और सेट पर मौजूद अभिनेत्री हाथ आगे करती वो उनके हाथ पर थूक देते थे। तब आमिर ने हंसते हुए कहा था मैंने जिस हीरोइन के हाथ पर थूका वो नंबर वन बन गई। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।